अयोध्या में रामलला के सामने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने मच अवेटेड फिल्म राम सेतु का मुहूर्त किया। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट शूटिंग के लिए 18 मार्च को अयोध्या पहुंची। इस फिल्म में अक्षय के साथ नुसरत भरूचा और जैकलीन फर्नांडिस भी नजर आने वाली हैं। राम की नगरी अयोध्या में प्रभु राम की पूजा के बाद अक्षय ने अब नई फिल्म राम सेतु की शूटिंग शुरू कर दी है। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है जिसमें पूरा राम दरबार नजर आ रहा है। इसके साथ ही ये साफ है कि ये फोटो फिल्म के मुहूर्त की ही है। फोटो के साथ अक्षय ने खास कैप्शन भी लिखा है। अक्षय ने लिखा है कि आज श्री अयोध्या जी में फिल्म राम सेतु के शुभारंभ पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय श्री राम। अक्षय का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फैंस इस पोस्ट के जरिए खिलाड़ी कुमार को राम सेतु के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। 18 मार्च की सुबह ही अक्षय अपनी पूरी टीम के साथ मुहूर्त शॉट के लिए अयोध्या रवाना हुए थे। उन्होंने जैकलीन और नुसरत के साथ एक तस्वीर भी शेयर की थी। फिल्म के मुहूर्त की जानकारी फोटो के जरिए अक्षय ने ही दी है। अक्षय कुमार एयरपोर्ट पर काफी कूल लुक में नजर आए। उन्होंने ब्लैक शर्ट के साथ ग्रे ट्राउजर पहना, वहीं जैकलीन ने व्हाइट कलर का सूट पहना था और नुसरत ने व्हाइट मैक्सी ड्रेस के साथ कलरफुल श्रग और सिल्वर ज्वेलरी पहनी थी। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने बताया था कि अगले कुछ महीनों में अयोध्या में फिल्म का 80% शेड्यूल शूट कर लिया जाएगा, उसके बाद का शेड्यूल मुंबई में शूट होगा। डायरेक्टर ने ये भी बताया है कि अक्षय इस फिल्म में बिल्कुल अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। राम सेतु में अक्षय के फैंस को उनका नया लुक और किरदार देखने को मिलेगा, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो जाएंगे। आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग पूरी कर ली है। उनकी सूर्यवंशी भी रिलीज के लिए तैयार है। सूर्यवंशी की रिलीज डेट सामने आ गई है। ये फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय के साथ कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आएंगी। हमारी इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे TV9 भारतवर्ष डिजिटल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।